रियलमी ने अपने P1 स्पीड स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है और यहाँ पर हमारे पास ही स्मार्टफोन काफी दिनों से आ चुका था, तो हमने स्मार्टफोन को काफी हद तक यूज भी किया है। मैंने इसका स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट आपके साथ पहले ही शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बताऊंगा कि अगर आपको स्मार्टफोन को खरीदना है तो किस वजह से खरीदना चाहिए और किस वजह से नहीं खरीदना चाहिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बॉक्स कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की अनबॉक्सिंग हमें यहाँ पर देखने मिल जाती है और ये कुछ बॉक्स कंटेंट देखने जाता है। बॉक्स में वही कंटेंट बेसिकली हमें मिल जाता है टिपिकली जो कि हमें अदर स्मार्टफोन में मिलता है, इस प्राइसिंग वाले रियलमी के स्मार्टफोन में। 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर, हमारा स्मार्टफोन, कुछ यूजर मैनुअल। तो ये था कुछ बॉक्स कंटेंट, इसको साइड में करते हैं एंड चल पड़ते हैं हमारे स्मार्टफोन की तरफ। और सबसे पहले यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस से, क्योंकि जो ये स्मार्टफोन है रियलमी ने जो इसकी एडवर्टाइजमेंट की थी उसमें इसके परफॉर्मेंस के बारे में ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। यहाँ पर अगर मैं इसके चिपसेट की बात करता हूँ तो ये स्मार्टफोन मिल जाता है मीडियाटेक डायनेस्टी 7300 एनर्जी चिपसेट के साथ। रैम रोम टाइप की बात करता हूं, LPDDR4X टाइप की रैम मिलती है एंड स्टोरेज टाइप की बात करता हूं, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिल जाती है। इस प्राइसिंग में पहले ये चीज काफी रेयर थी, ये स्टोरेज टाइप नहीं मिलता था, 2.2 या 2.1 ही देख मिलता था। लेकिन अभी काफी सारे स्मार्टफोन UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का यूज करें और कहीं ना कहीं ये हमारे यूजर्स के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि स्मार्टफोन की स्पीड अच्छी हो जाती है, ऐप ओपनिंग स्पीड वगैरह हमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। ये स्मार्टफोन भाई इस प्राइसिंग में हमें 90 FPS की गेमिंग प्रोवाइड करवाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है और अगर आप गेमर हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट भी हो जाता है। मैंने देखा था कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर रियलमी 90 FPS का यूज कर रहा है और जब हमने यहाँ पर गेमिंग की तो नो डाउट यार रियली में काफ़ी अच्छी गेमिंग देखने मिल जाती है, काफ़ी स्मूथ गेमिंग देखने को मिल जाती है। मैं यहाँ पर ग्राफिक्स आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी हद तक ये ग्राफिक्स को भी हाई एंड तक ही सपोर्ट करता है। हमने यहाँ पर कुछ टेस्ट किए थे जिसमें एंटीटू बेंचमार्क स्कोर और रैम रोम स्कोर यहाँ पर हमने देखे थे, स्टोरेज टाइप के स्कोर देखे थे। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 लाख प्लस का एंटीटू बेंचमार्क स्कोर हमारे पास आया था। रियलमी ने यहाँ पर हमें प्रोमिस किया था कि 7,50,000 का स्कोर देता है, लेकिन हमारे पास 7 लाख प्लस का ही स्कोर देखने मिला। ये मैं बता दूँ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है और थ्रोटलिंग टेस्ट किया वहाँ पर भी जो इसकी परफॉर्मेंस थी काफ़ी हद तक स्टेबल थी। तो हमने जितने यहाँ पर इस स्मार्टफोन के टेस्ट किए, हमने जितनी हद तक यहाँ पर गेमिंग की उसके हिसाब से अगर मैं स्मार्टफोन की बात करता हूँ परफॉर्मेंस के मामले में, तो नो डाउट यार स्मार्टफोन है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, काफ़ी हद तक स्टेबल एंड काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल जाता है। फाइनली चल पड़ते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के कैमरा की तरफ। और अगर मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन की, तो सबसे वर्स्ट चीज़ों में से अगर मैं किसी चीज़ को चूज करता हूँ तो नो डाउट वो स्मार्टफोन का कैमरा ही है, क्योंकि स्मार्टफोन का सारा फोकस ही यार इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की तरफ किया गया है। ये स्मार्टफोन 50 MP ड्यूल रियर कैमरा के साथ देखने में जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP, सेकेंडरी 2 MP, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड 16 MP की सेल्फी देखने में जाती है। यहाँ पर आप स्मार्टफोन के कैमरा से रिलेटेड एक चीज़ देख सकते हो कि भाई यहाँ पर इतना फोकस नहीं किया गया कि भाई कंपनी ने ये तक हमें नहीं बताया कि इसमें कौन सा सेंसर देखने को मिल जाता है। अभी मैंने इनकी वेबसाइट वगैरह भी चेक की तो वहां पर भी कुछ डिटेल में मेंशन नहीं था, हो सकता है बाद में अपडेट कर दें, लेकिन अभी तक अगर मैं बात कर रहा हूं कैमरा के मामले में कोई भी इनिशियल जानकारी हमें नहीं दी गई है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं रियर साइड की तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, जबकि अगर मैं सेल्फी की बात करता हूं तो 1080p में ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हमने पहले ही स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट करके रखा था और वहां पर भी मैंने बताया था कि इस स्मार्टफोन को कैमरा के मामले में काफी कुछ चीजें अपग्रेड करने की जरूरत है। डे लाइट में स्मार्टफोन काफी अच्छा हद तक परफॉर्म कर लेता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लो लाइट की तो नो डाउट वहां पर यह स्मार्टफोन स्ट्रगल करता है और काफी हद तक नॉइस इमेज देता है लो लाइट एरिया वाले स्मार्टफोन में, तो नो डाउट वहां पर नॉइस कंट्रोल नहीं कर पाता है स्मार्टफोन। एंड डे लाइट की भी बात करता हूं तो वहां पर शेडोज को मैनेज करने में कहीं ना कहीं यह स्मार्टफोन स्ट्रगल करता है। कलर की ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, थोड़े कलर बूस्ट जरूर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर डे लाइट में बात करता हूँ तो अगर मैं फुल कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट है हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात कहें कि इस प्राइसिंग में इस स्मार्टफोन को कैमरा के पर्पज से लेना चाहिए तो नो डाउट मैं बिल्कुल आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप स्मार्टफोन की तरफ मत जाना अगर आप कैमरा के पर्पज से जा रहे हो तो। कैमरा स्मार्टफोन का इतना अच्छा नहीं है, प्राइमरी कैमरा बेहद कुछ हद तक हमें प्राइसिंग के हिसाब से अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर मैं सेल्फी की बात करता हूँ तो वहाँ पर ये स्मार्टफोन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है, बस यही कहना चाहूँगा कि ये स्मार्टफोन कैमरा के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले एंड डिज़ाइन स्मार्टफोन की, डिस्प्ले एंड डिज़ाइन की बात करता हूँ तो डिस्प्ले एंड डिज़ाइन भी कुछ नया देखने को नहीं मिलता, सिर्फ कुछ कलर नए कलर इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं। ब्लू कलर में स्मार्टफोन आ गया है, एक और कलर दिया गया है जिसमें अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात
करता हूँ, तो हम व्हाइट कलर उसको कह सकते हैं, लेकिन रियलमी उसको अलग अलग कलर के नाम से प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिजाइन के साथ देखने को मिल जाता है, एंड फ्रंट साइड में आता हूँ तो मिड पंचोल डिस्प्ले के साथ जो है स्मार्टफोन आ जाता है। यहाँ पर जो डिस्प्ले यूज की गई है वो ओलेड डिस्प्ले है, एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ HBM ब्राइटनेस की तो वो 1200 निट्स की मिलती है, एंड पीक ब्राइटनेस की बात करता हूँ तो वो आपको देखने मिल जाती है 2000 निट्स तक की। यानी जो ओवरऑल जो ब्राइटनेस है वो आपको बेहद अच्छी देखने को मिलने वाली है। जो क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, वो यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बैजेस वगैरह की, तो नो डाउट बैजेस ठीक ही देखने जाते हैं, स्क्रीन टू बॉडी रेशो अच्छा देखने जाता है, इजिली हाई कंटेंट आप देख सकते हो, कलर वगैरह होंगे वो अच्छे देखने को मिल जाएंगे, और वही अगर मैं व्यूज एंगल की बात करता हूँ तो वो भी यहाँ पर अच्छे मिलने वाले हैं। काफी सारे दोस्तों हमसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर हमें प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलेंगी। जी दोस्तों, आपको यहाँ पर बिल्कुल प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, काफी सारी अनवांटेड नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा, जितने भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, और जो भी अनवांटेड नोटिफिकेशन आएंगे उनको आप इजिली वहां से ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल से बंद कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सबको पता है काफी सारे ब्रांड्स हमें अलो नहीं करते प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने का, लेकिन यहां पर आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूं, डिजाइन की बात करता हूं, अच्छा देखने में जाता है। स्मार्टफोन सिंगल हैंड यूज करने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो ये स्मार्टफोन है हमें बॉक्सी डिजाइन के साथ मिलता है, तो कॉर्नर है थोड़े आपको हाथों में चुभ सकते हैं, तो सिंगल हैंड यूज के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप कवर वगैरह यूज करोगे तो मे भी आप यहां पर कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनली अगर मैं बैटरी की बात करता हूं, तो ये स्मार्टफोन देखने में जाता है 5000 एमएच की बैटरी के साथ, जहां पर मैं 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने में जाता है। और अगर मैं बात करता हूं स्मार्टफोन की, देखो बैटरी बैकअप नो डाउट यार स्मार्टफोन काफी अच्छा देखने जाता है। हैवी यूजेज में भी अगर मैं स्मार्टफोन की बात करता हूं, तो इजीली ये स्मार्टफोन भाई 6 से 7 घंटे का इजीली हमें बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवाता है, 7 घंटे के अराउंड ही आराम से निकाल देता है। नॉर्मल यूजेज में एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप ये स्मार्टफोन इजीली निकाल देता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ चार्जिंग स्पीड की, वो भी हमें काफी अच्छी देखने जाती है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैंने इसका बैटरी ड्रेन एंड चार्जिंग टेस्ट भी किया है, और वहां पर हमने दिखाया था कि जो स्मार्टफोन का रिजल्ट है वो काफी अच्छा देखने जाता है। हाँ, मैं मानता हूं कि 20,000 में 45 नॉर्मल है, अगर थोड़ा और अच्छा मिल जाता तो बेटर हो सकता था, लेकिन अगर मैं अभी तक की बात करता हूं, तो नो डाउट बैटरी बैकअप में ये स्मार्टफोन कहीं पर भी पीछे नहीं रहता। तो ये थी सारी चीजें स्मार्टफोन के बारे में, साथ के साथ मैंने अपना ओपिनियन है वो शेयर किया। और अगर मैं अभी बात करता हूँ कंक्लूजन की कि भाई कैसा है स्मार्टफोन और हमें स्मार्टफोन को क्यों खरीदना चाहिए, देखो अगर आपको गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए था अंडर 20,000, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ ये स्मार्टफोन, गेमिंग के हिसाब से काफी अच्छा है। लेकिन आपको चाहिए था भाई एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन, या मैं कहूँ आपको एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए था, तो मैं आपको ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, इतना अच्छा और इतना बेहतरीन स्मार्टफोन ये नहीं है। तो ये था आज का रिव्यू Realme P1 स्पीड स्मार्टफोन का, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।